नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैक मैनचेस्टर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं अमन कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने लैपटॉप के कैमरे को कैसे ठीक कर सकते हैं अगर आपका कैमरा प्रॉब्लम करता है कभी इस तरीके का। जैसे आप कभी कैमरा ओपन करते हैं तो आपका कैमरा ऑन नहीं होता है या फिर आपको इस तरीके की अपने कैमरे में प्रॉब्लम होती है उसमें, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं यही आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो इस प्रॉब्लम को कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। अब देखिए हमें करना क्या होगा, आपको जाना होगा अपने सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपको अपना कैमरा सेटिंग्स को सर्च कर लेना है और वहाँ पे जाके आपको कुछ इस तरीके का कैमरा एक्सेस फॉर ऑन डिवाइस इस तरीके का कुछ ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप क्लिक करेंगे इस आपको इसको ऑन ऑफ करके एक बार क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आप इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपको दोबारा से कैमरे पे जाना है। अगर आपका इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा दूसरी ट्रिक पे, मतलब जो सेकंड ट्रिक होती है वो हम क्या करते हैं, अपनी एक बार अपने डिवाइस को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आपको जाना होगा अपने माई कंप्यूटर में। जब आप माई कंप्यूटर जाएंगे तो आपको राइट क्लिक करके मैनेज पे जाना होगा, जहाँ से हमारी सारी फाइल्स मिल जाती हैं, जो हमारी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं सारी सिस्टम की। आप इसको मैनेज पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक फाइल्स ओपन होंगी। आपको क्या करना है, आपको जाना है एक बार एक्शन पे। एक्शन पे जाके आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ऑप्शन मिलेगा। आप डिवाइस मैनेजर पे जाके अपनी फाइल्स को यहाँ पे सर्च कर लेंगे। आपको एक कैमरे का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे कैमरे पे जाएंगे आप, उसको सेलेक्ट करेंगे और सर्च फॉर इस हार्डवेयर स्कैन कर देंगे। इसको स्कैन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आप उसको बैक कर दीजिएगा, दोबारा से कैमरे पे जाएंगे। कैमरे पे जाने के बाद आप उसको ऑन ऑफ करके देख लीजिएगा। अगर फिर से भी नहीं होता तो आपको क्या करना है, आपको जो ये डाउन एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और अपडेट ड्राइव या डिसेबल डिवाइस कर देंगे। डिसेबल डिवाइस करेंगे फिर से आप अपने कैमरे को ओपन करके देखेंगे एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद। एनेबल करेंगे, एनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है फिर से अपने कैमरे पे, देख लेते हैं अगर कैमरा ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इसको बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद आपको जो थर्ड ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्या करिए, डिवाइस को अपडेट कर लीजिए। मतलब अपडेट जो ड्राइवर्स आते हैं आपके जो सिस्टम है आपके, उसमें भी ड्राइवर्स होते, नहीं तो आप इसको ऑनलाइन से भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले सिस्टम्स के जो ड्राइवर्स हैं उस पर देखता हूँ कि शायद इससे हो जाए। यहाँ से इसको बैक कर दिया, देखता हूँ मैं अपने कैमरे पे जाके, तो अभी देखता हूँ ये वर्क करता है कि नहीं। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको बैक कर देता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। दोबारा से हम अपने माई कंप्यूटर्स पे जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल कर देंगे, यहाँ से अनइंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक बार एक्शन पे जाना है। एक्शन के जाने के बाद आपको करना है स्कैन हार्डवेयर, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज करेंगे। हार्डवेयर चेंज करने के बाद आपको कैमरे का ऑप्शन दिखने लगेगा, यहाँ पे देखिए आपके डिवाइसेज हैं वो, उसमें कैमरा मैनेजर में जाके आपको इसका ऑप्शन दिखने लगेगा। ऑप्शन पे जाएंगे आप, फिर से क्या करेंगे, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज करेंगे, दोबारा से आप अपने कैमरे को ओपन करके देखेंगे। अगर आपका ये भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से बैक कर देना है। दोबारा से जाना है अपने कैमरे वाले ऑप्शन पे। कैमरे पे जाके जाने के बाद आपको क्या करना है, डाउन एरो पर क्लिक करना है। आपको क्या अपडेट डिवाइस करना है, अगर फिर से भी नहीं मिलता तो आप अपने ड्राइवर को ऑनलाइन निकाल के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ कि आप अपने डिवाइडर को ड्राइवर को कैसे आप निकाल सकते हैं इसमें से, यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है देखिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको मैनुअली निकाल लेता हूँ गूगल पे जाके। आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए, अपने चलते हैं गूगल पे, ठीक है। दोस्तों मैंने ये अपने जो आपका लैपटॉप है उस नाम से मैंने ये ऑनलाइन ड्राइवर सर्च किया, देखते हैं मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसकी वेबसाइट पर जाके कैसे ये ड्राइवर्स को निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप का नाम डालना पड़ेगा, आपके पास कौन सा लैपटॉप है और उसका मॉडल कौन सा है वो डालना पड़ेगा, और उसको सॉफ्टवेयर में जाके कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ये लैपटॉप है, मैं इसके ड्राइवर को कैसे निकाल सकता हूँ बता देता हूँ आपको।
इसकी फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, यहाँ से आपको जो डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं वो आपके उसके यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर्स है, आपको यहाँ पे सारे जो आपके लैपटॉप है उसका वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर जाके आप अपने ड्राइवर्स को निकाल सकते हैं। यहाँ से जाएंगे अपने, देखिए आपको ये यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए इस पर आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे फाइल सेव ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप इसको फाइल को सेव कर सकते हैं। जब भी आपका डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से सेव एज करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। सेव पे जाएंगे, अपनी फाइल्स को ओपन करके देखेंगे। ओपन करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, आपको इसको पहले तो अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसकी कुछ परमिशंस होंगी, इनको नेक्स्ट कर दीजिए और इसको देखिए एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करते चले जाएंगे। बहुत ही सिंपल होता है इंस्टॉल करना किसी सॉफ्टवेयर को या किसी ड्राइवर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, नेक्स्ट करिए, फिनिश कर देंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिनिश कर देंगे, अब जाएंगे अपने माई कंप्यूटर पर। कैमरे पे जाके फिर से देख सकते हैं, आपका अगर अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व शॉर्ट आउट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर पर जाने के बाद आपको फिर से स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंज करना है। हार्डवेयर चेंज करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने मिनिमाइज करके अपने कैमरे पर। कैमरे पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का अभी भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट नहीं है, आपको क्या करना है देखिए, आपको इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका एक तरीके से ये कैमरा यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। जो आप देखिए मेरी स्क्रीन पे जो मेरा कैमरा है वो बिल्कुल वर्क करना स्टार्ट कर दिया गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसी तरीके से अपने सारे कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे इस चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं।